हाय गाइस, वेलकम बैक इन गेट फर्स्ट कुक। और आज है जन्माष्टमी और उस उत्सव में शामिल होने के लिए आए हैं राशि जी। और आप सभी को हम दोनों बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं। आप बोलिए जन्मदिन बधाई। हाँ, आज कान्हा जी का जन्मदिन है, उसकी है ना, हम बहुत बहुत बधाई देने आए हैं उनको। और देखिए, बहुत सुंदर ड्रेस भी लाई है जो मैं आपको दिखाऊंगी। कान्हा जी के लिए बहुत सुंदर सुंदर दो ड्रेस लेके आई है। और ये बहुत प्यार करती है कान्हा जी से। एक बार हम कहीं गए थे तो हमने इनके घर पर कान्हा जी को रखा था, तो ये ऑफिस जाते तो इन्होंने छुट्टी ले ली उनके लिए। देखिए, ये इनका प्रेम है कि ये कान्हा जी के लिए ड्रेस लेके आई है और उनसे इतना प्यार करती है। तो आज का दिन था बहुत अच्छा और सुहावना, क्योंकि आज था जन्म कृष्ण भगवान का। और इस दिन को मनाने के लिए हम पूरी तरह से तैयार थे और हमारे साथी भी तैयार थे। तो कुछ झांकियां भी हमने लगाई थी। तो जिस तरह से हमारे घर में छोटे से बच्चे कृष्ण बन के आए, राधा बन के आए, वो बहुत ही प्यारा सीन था कि बच्चे खुद अपने मन से कृष्ण बनना चाह रहे थे। और यहाँ पर हमने दो या तीन झांकियां प्रस्तुत किए, जैसे कि कृष्ण भगवान की मम्मी उनको माखन खिलाती थी वो वाली, और राधा कृष्ण एक साथ बैठे थे वो वाली। और जब कृष्ण भगवान हमारे घर में आए तो हमने उनका स्वागत किया, टीका लगाया और उनको उपहार दिए। Thank you.
आज की जो झांकी थी वो काफ़ी प्यारी थी गाइस। यहाँ पर हमने जल विहार का दृश्य बनाए हैं और उसमें नौका के अंदर विहार करते हमारे लड्डू गोपाल जी थे। और आज का दिन काफ़ी अच्छा था क्योंकि सब ने मिलकर इस दिन को बहुत अच्छा दिन बनाया, उसके लिए मैं सबका धन्यवाद करना चाहती हूँ। और कुछ इस तरह से हमारे राधा कृष्ण यहाँ बैठे हुए हैं। हैप्पी जन्माष्टमी। और ये देखिए प्रसाद मिल चुका है इनको लास्ट ईयर का इन्होंने जो पूजा की थी। और ये छोटे से काना ये इस साल ही आए हैं हमारे लड़ी भैया के पास। नन के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, आपके गुड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। तो यहाँ पर होने जा रहा है अभिषेक और आज तो हर घर में लड्डू गोपाल जी का जन्म उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। और हमारे एक और घर में एक नहीं दो दो लड्डू गोपाल जी का बर्थडे सेलिब्रेशन किया गया है, वो भी मैं ब्लॉग के लास्ट में दिखाऊँगी। तो ब्लॉग को लास्ट तक पूरा देखिएगा गाइस। तो यहाँ पर देखिए किस तरह से अभिषेक किया जा रहा है, पूरी विधि विधान से यहाँ पर अभिषेक किया जा रहा है और जो कि काफ़ी आनंद देने वाला है। मतलब डेली होता है कि हमें नींद आने लगती है, बट आज का दिन ऐसा होता है कि हम लगता है कि जब तक कृष्ण भगवान जी का जन्म नहीं हो जाए हम ऐसे ही बैठे रहें, गाना गाते रहें, भजन गाते रहें। और ये देखिए यहाँ पर मोहित भी आज जगा हुआ था और बिल्कुल उसने अच्छे से रेडी किया कृष्ण भगवान का। एक बात बताती हूँ कि जब हम मोहित छोटा था तो हम लोग मोहित सोया जाया करता था और रात को हम लोग जब जन्म करते थे तो हमारी इच्छा रहती थी कि मोहित भी उसको देखे, क्योंकि ये छोटी छोटी बातें होती हैं जिनसे बच्चों में संस्कार बनते हैं। तो आज मोहित खुद अपने हाथ से ये पूजा कर रहा था तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि जब सुबह वो सो के उठता था तो हमको पूरा वीडियो दिखाते थे डैडी ने आपको ये किया ये किया ये किया ये किया, फिर बोलता था मुझे जगाया क्यों नहीं। तो हम छोटे बच्चों को जगाना अच्छा नहीं लगता तो हम उसका वीडियो बना के रख लेते थे ताकि वो सुबह देख सके कि रात को क्या क्या हुआ है। और आज वो खुद जगा हुआ था, पूरा उसने अच्छे से पूजा की, आरती गाई और पूरे जोश के साथ पूरे दिन उसने एंजॉय किया। वो काफ़ी अच्छा था क्योंकि ऐसा बहुत कम होता है कि बच्चे खुद इंटरेस्ट लेते हैं, बट हमारे यहाँ मोहित हर चीज़ में बहुत इंटरेस्ट लेता है और बहुत अच्छे से इन चीज़ों को इंजॉय करता है। और गाइस अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक थम्स अप जरूर दीजिएगा, क्योंकि ये आपका एक थम्स अप हमें ये बताता है कि हम जो मेहनत कर रहे हैं, हम जो चीज़ कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं किसी को 1% भी खुशी देती है, तो हमारे लिए बहुत अच्छी चीज़ है और हम मोटिवेट होते हैं आपके एक थम्स अप से। प्लीज़ अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो इसे शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।
हेलो गाइस, सबके पास वैसे एक ही काना रहता है, लेकिन मेरे पास दो दो काना है और मैंने जितनी हो सकती है उतनी कोशिश करी है छोटे से जाके सजाने की। आप देखिए। और ये प्रेरणा आपको किससे मिली? ये प्रेरणा हमारे ऊपर वाली भाभी जी है जो हमेशा हर साल आकाश में जाके सजाती है, तो उनको देख के मुझे भी लगा कि इस बार मुझे भी करना चाहिए। तो देखिए कितनी सुंदर झांकी सजाई है इन्होंने, और वो भी थोड़ी सी मतलब थोड़े से टाइम में सजाया आपने? बिल्कुल, मैंने एक घंटे के अंदर इतनी सुंदर झांकी बनाई है इन्होंने। देखिए, कोई कह सकता है कि एक घंटे की झांकी? ऐसा लग रहा है कि पूरा दिन लगा के और दोनों कान्हा जी को प्रसन्न करने की पूरी व्यवस्था है, दोनों कान्हा जी को झूला झूला रही है। और ये कलरफुल बॉल्स है, कितनी सुंदर लग रही है, क्या है ये? ये बॉल्स है, ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे इन्होंने प्रसाद भी रख रखा है, मक्खन और पंजरी और इधर मेवे और फ्रूट्स और बलून्स। देखिए बिल्कुल ऐसा लग रहा है बर्थडे पार्टी चल रही है, पूरा बलून से जगमग कर रहा है पूरा घर इनका, बलून और लाइटिंग से। तो काफ़ी अच्छा सजाया आपने, और हम उम्मीद करते हैं कि आप हर साल हमारे साथ इसी तरह से सेलिब्रेशन करेंगे। बिल्कुल, हम आपके साथ पूरी तरह से भागीदारी निभाएंगे।